मनप्रीत सिंह, भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन। मनप्रीत की कप्तानी में भारत ने ओलंपिक्स में 41 साल बाद कोई मेडल जीता। ओलंपिक्स के प्लेऑफ मुकाबले में भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। लेकिन इसे तुक्का समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। भारतीय हॉकी टीम ने उसके बाद भी शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। ओलंपिक की उस जीत ने टीम के प्लेइंग स्टाइल और कॉन्फिडेंस को सातवें आसमान तक पहुंचाया है। इसकी एक वजह कोच ग्रैहम रीड भी हैं। उनके आने के बाद से भारतीय टीम के फैंस उम्मीदों से भरे हुए हैं। हॉकी इंडिया ने हाल ही में हुए एशिया कप के लिए सीनियर प्लेयर्स को आराम देकर एक युवा टीम सेलेक्ट की थी। इस टीम के कई प्लेयर्स अब सीनियर टीम का हिस्सा बन चुके हैं। एशिया कप के बाद इंडिया ने FIH प्रो लीग में भी अच्छा प्रदर्शन किया। 2020-21 सीजन में टीम इंडिया चौथे स्थान पर आई थी। इस सीजन यानी कि 2021-22 सीजन की बात करें तो इंडियन टीम तीसरे नंबर पर आई। मनप्रीत की अगुवाई में टीम ने लगातार अच्छा प्रदर्शन जारी रखा है। अब अगला पड़ाव है कॉमनवेल्थ गेम्स का। इंडियन हॉकी टीम ने अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स में एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है। इंडिया ने इस टूर्नामेंट के लिए सीनियर टीम को चुना है। इंडिया के ग्रुप में इंग्लैंड, कनाडा, वेल्स और घाना जैसे देश हैं। हाल की परफॉर्मेंस देखें तो भारत को नॉकआउट स्टेज के लिए प्रबल दावेदार माना जा सकता है। इसके बाद भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक 6 गोल्ड मेडल जीते हैं। इंडिया के नाम 2 सिल्वर मेडल रहे हैं जो 2010 और 2014 में आए थे। दोनों बार इंडिया फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से ही हारी थी। यानी आखिरी मेडल 8 साल पहले आया था। इस बार टीम की तैयारी कैसी है, प्लेयर्स और कोच ग्रैहम रीड क्या सोचते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर लल्लन टॉप स्पोर्ट्स ने कप्तान मनप्रीत सिंह से खास बातचीत की। क्या लगता है कि इंडियन टीम का जो अभी आउटिंग हुआ है FIH प्रो लीग में, कितना आपको कॉन्फिडेंस देता है गोइंग इनटू प्रिपेयरिंग फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स? एक्चुअली मैम, जैसे कि आपने सही बोला, ओलंपिक्स के बाद उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि ओलंपिक से पहले क्या था कि तो जैसे कि आपने सही बोला कि ओलंपिक के बाद जो उम्मीदें वो ज़्यादा बढ़ जाती है, बट हम लोग उस चीज़ को प्रेशर नहीं ले रहे, इंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि अभी क्या कि पहले लोग कम देख रहे थे, बट अभी क्या कि ज़्यादा लोग हॉकी को देख रहे हैं, ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। और उसके बाद अभी प्रो लीग की जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी रही है, क्योंकि हम लोगों ने अच्छी टीमों के साथ खेला है, काफ़ी अच्छा फाइट रही है, तो काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। तो ये कि एक काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला, और इससे क्या कि हमें नया टैलेंट भी मिला। जैसे कि अगर देखा जाए तो अभिषेक की बात करी जाए या युवराज की बात करी जाए, तो हमें प्रो लीग से अच्छा ना टैलेंट मिला है। तो वही अभी क्या कि हमें वही उनको चांस मिला कि वो कॉमनवेल्थ गेम में अपना दिखा सके, राइट। तो उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला, अभी सभी टीम में काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस है कि हाँ कि हमारा जो मूवमेंट था, जो हम लोग अभी प्रो लीग में लास्ट मैचेस खेले हैं उसमें काफ़ी अच्छा रहा है। काफ़ी को सीखने के लिए मिला कि हम लोग अभी, हमारे पास एक मंथ का टाइम था कि हम लोग अपने आप को रेडी कर सकें और कॉमनवेल्थ गेम एग्जीक्यूट कर सकें और कॉमनवेल्थ गेम के लिए जाएं। एशियन गेम्स के लिए जो टीम सेलेक्ट की हुई थी वो एशियन गेम्स पोस्टपोन हो गए, तो वो टीम एशिया कप के लिए, तो उस कॉमनवेल्थ एशिया गेम्स के लिए, तो उसके लिए क्या हमारी नेक्स्ट पीढ़ी रेडी हो गई, ये कितना ब्लेसिंग इन डिसगाइज कहेंगे आप? सर एक्चुअली क्या कि अभी हमारा पहले कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर ज़्यादा फोकस है। पहले था कि हाँ एशियन गेम्स बैक टू बैक आ रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने डिफरेंट टाइप टीम तैयार की थी। बट अभी हमारे पास टाइम है कि हम लोग एशियन गेम्स नेक्स्ट ईयर हो चुके हैं, तो अभी हमारा मेन फोकस है कॉमनवेल्थ गेम के ऊपर। उसके बाद भी जैसे प्रो लीग के मैचेस आएंगे, फिर बाद में वर्ल्ड कप है जो कि होस्ट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा सर। कमाल की बात, आप बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 2018 के बाद हमने ये काम किया है कि हम कम बैक करें, तो माइंड सेट वो कैसे बदला? हमने FIH प्रो लीग में देखा बेल्जियम के खिलाफ 8 सेकंड बाकी थे तब एक ड्राइव, नेदरलैंड्स के खिलाफ 2 सेकंड बाकी थे तब एक ड्रैग फ्लिक से वापसी की, तो इस पे कैसे साइकोलॉजिकली और मेंटली कितना काम किया गया? सर एक्चुअली क्या था कि जब कोविड की सिचुएशन थी उसमें काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। एक बॉन्डिंग जो थी प्लेयर्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई थी, और हम लोगों ने इस चीज़ के ऊपर, और क्या था कि हम लोगों ने जितने भी पुराने एथलीट्स हैं सभी के बारे में स्टडी किया था कि जब वो गेम्स में जाते तो कैसे वो अपने आप को माइंड सेट रखते, तो उस चीज़ के ऊपर काफ़ी काम किया। और कोचेस ने काफ़ी बिलीव दिया कि अपने आप को बिलीव रखना चाहिए, और जब भी हम लोगों ने अच्छी टीमों के साथ खेला वही एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहा अंदर, उससे ये काफ़ी चेंजेस। ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई खास स्ट्रेटजी? सर एक्चुअली क्या कि उनका, हम लोग काफ़ी टाइम से वो भी खेले नहीं है, ठीक है, उनको एक साल हो चुका वो नहीं खेले हैं, बट उनके हमेशा यही रहता है कि हाँ कि उनको चांस ना जल्दी दें, क्योंकि अच्छी टीम है ऑस्ट्रेलिया, वन ऑफ द बेस्ट टीम है, सभी को पता है। गेम्स में इंडिया का रिकॉर्ड भी। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं मानता हूँ हाँ। तो इसीलिए सर क्या है कि हम लोग उनके लिए स्पेशली है कि उनको ईजी चांस ना दें, उनको ईजी अंदर डी के अंदर ना एंट्री करने दें, उनको बाहर ही टैकल करें, उनको ईजी अपॉर्चुनिटी ना दें, और जब भी हमें चांस मिले हम उनको गोल या प्लेंटिकॉन में बदलें। कोच के चेंज होने से क्या क्या फ़ायदे हुए हैं? कोच सर रीड जब से आए हैं वो सर हर प्लेयर को अपना फ्रीडम देते हैं कि हाँ कि आप ग्राउंड के ऊपर अपना गेम दिखाइए, शो करिए अपने आप को, और फ्रीडम के साथ खेलें। और क्योंकि सभी कोच का यही मानना रहता है कि हॉकी जो है अपने इंडियन हॉकी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, काउंटर अटैक्स में और स्किलफुल है, तो उन्हीं
को उन्होंने मॉडिफाई किया कि और कैसे हम लोग अच्छा कर सकते हैं, कैसे और दूसरी टीम के लिए डेंजर क्रिएट कर सकते हैं? एक आखिरी सवाल बस, हरिंदर सिंह, सॉर्जियो मारिनिया और ग्राहम रीड, इन तीनों में से आपका फेवरेट कौन है और डिफरेंसेस क्या क्या हैं? सर एक्चुअली फेवरेट सभी फेवरेट हैं, क्योंकि सभी कोचेज से मैं कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ें लेता रहता हूँ, ठीक है। सभी का सर यही मानना एक मेन रहता है कि हाँ कि कैसे इंडिया को अच्छा और कर सकें, और सभी का ये रहता है कि हाँ कि इंडिया काउंटर अटैक्स में अच्छी है तो इसको और कैसे अच्छा किया जाए। प्लेइंग स्टाइल में डिफरेंसेस क्या हैं तीनों कोचेज के? मोस्टली सर सही था कि हाँ कि डिफेंस अच्छी हो और अटैक्स में आप अच्छे हो और प्लेंटी कॉर्नर की वेरिएशन, यही चीज़ें रहती हैं सर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इंडियन हॉकी टीम का पहला मैच घाना से 31 जुलाई को खेला जाएगा। अगले ही दिन टीम इंडिया इंग्लैंड के सामने होगी। इसके बाद भारतीय टीम का मैच 3 और 4 अगस्त को कनाडा और वेल्स से होगा। नमस्कार, मेरा नाम है पुनीत और ये खबर आप ललन टॉप स्पोर्ट्स पर देख रहे हैं। यहाँ आपको हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, सारे स्पोर्ट्स से जुड़ी सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।